मौलाना ईद उल फितर के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ है, अवाम में कन्फ्यूजन है, क्या कहना है आपका और क्या बातचीत हुई है आपकी? सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि इंशाअल्लाह कल बरोज़े इतवार बादे नमाज मगरिब दफ्तरे दारुल औकाफ कनिगम रोड बेंगलुरु में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का माहाना इजलास मुनक़िद होगा। उसमें हजरत उलमा इकराम तशरीफ लाकर बाकायदा चांद की तहकीक फरमाएंगे। अगर कहीं चांद नजर आता है तो ऐसी सूरत में पीर के दिन ईद का ऐलान होगा। अगर चांद नजर नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह मंगल के दिन यकीनी तौर पर ईद मनाई जाएगी। हाँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसकी वजह से इंतशार हुआ और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये मून कमेटी की तरफ से भी मशवरे के बाद लिखा गया है, ये ऐलान हुआ है। तो हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी टू माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी अली जनाब मनीवनन साहब से बातचीत करके उनसे कहा कि कब आप किससे बातचीत किए, इसकी वजाहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसलिए हमारी गुजारिश पर उन्होंने फिर एक नया आदेश जारी किया है। वो आदेश भी इस वक्त मेरे पास आ चुका है, उसकी वजाहत हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता चूंकि हुकूमत चाहे तो पीर के दिन भी छुट्टी का ऐलान करे और मंगल के दिन भी छुट्टी का ऐलान कर चुकी है ऑलरेडी, तो अब पीर भी छुट्टी होगी और मंगल के दिन भी छुट्टी होगी, तो वो उनका इख्तियार है। लेकिन हमारे लिए जो ईद मनाएंगे वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के फैसले के बाद ही हम ईद मनाएंगे। इसे छोड़कर मुसलमान किसी भी तरह हमारी रियासत में ईद नहीं मनाएंगे। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अमन व अमान से रहें और किसी का तरह का इंतशार का आप शिकार ना हो और इस पैगाम को तमाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हुकूमत ने पीर के दिन भी छुट्टी का ऐलान किया है, मंगल के दिन भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, पीर के दिन भी उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है और मंगल के दिन भी छुट्टी का ऐलान किया है। अगर चांद नजर आता है तो आप पीर को ईद कर लें, अगर नहीं है तो आप मंगल के दिन ईद करें, उन्होंने इसकी वजाहत की। तो अवाम से क्या अपील है? अवाम से हमारी अपील यही है कि अमन को बरकरार रखें। ये किसी भी तरह के चीजों को या गैर जरूरी बातों को लेकर इंतशार पैदा ना करें और किसी भी तरह अमन में खलल वाक़ ना पैदा करें और कानून को किसी भी तरह हाथ में लेने की कोशिश ना करें।